अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम रमज़ान स्पेशल में ना फ्राई चीज़ें खा के थक गए, तो इसलिए हमने सोचा है कि ना आज कुछ बेक बनाए, वो भी पास्ता। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी बेक पास्ता और वो भी हम बनाएंगे नेस्ले मिल्क पैक क्रीम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रीमी बेक पास्ता बनाना। सबसे पहले हमने पास्ते को बॉईल करना है, तो हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम पास्ता और इसमें हम डालेंगे बॉईल करते वक्त 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक। तो चलिए इसको बॉईल करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पानी को बॉईल कर लिया, खुला हमने पानी लिया है और इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे और नमक, ऑयल। अब इसको हम बॉईल करेंगे 8 मिनट तक, ठीक है, हाई फ्लेम पे। तो पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, अब ऐसा है कि हम चिकन रेडी करते हैं। चिकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1/2 किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसको हमने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पे हमने 2 अदद शिमला मिर्च लिया है, जिसको क्यूब्स में काट लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है छिलके के साथ, बीच निकाल के छोटा छोटा काट लिया। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया, बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, सिरका लेंगे 1 टेबलस्पून, ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं 1/2 टीस्पून। अदरक पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अगर वो भी नहीं है तो पेस्ट ले सकते हैं आप 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, आपका मतलब आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहते हैं ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना ना लें। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन के लिए। तो चलें अब चिकन को कुक करते हैं। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन ऐड करके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सिरका और इसमें डाल देंगे लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, ये देखिए चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जब मैंने लहसुन और अदरक का पाउडर डाला है ना, उससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखिए सिरका ऐड करने से ना चिकन ना जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए मैंने सिरका ऐड किया पहले। और अब इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, ठीक है, सारी चीज़ें हम साथ में डाल देंगे। तो ये देखिए जी हमारा जो चिकन है ना और सब्जियां जो है ना फ्राई हो चुकी हैं, अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, फ्लेम को ऑफ करते हैं और अब हम रेडी करते हैं अपनी वाइट सॉस, क्रीमी वाइट सॉस। तो अब हम रेडी करेंगे क्रीमी वाइट सॉस। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है दूध 1 कप और ओरिगेनो लेंगे 1/2 टीस्पून, ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून भर के, मैदा लेंगे 2 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो 2 जवे लहसुन के लेके छोटे छोटे काट के वो भी ले सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेरी क्रीम। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन कर दिए हमने और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा, ठीक है, मैदे को हमने अच्छे से भूनना है और साथ इसमें हम लहसुन पाउडर भी डाल देंगे भूनते भूनते, उसमें जो स्मेल है ना मैदे की कच्चेपन की वो दूर हो जाए, इसलिए हम अच्छे से भून रहे हैं। तो ये देखें मैदे का जो कलर है ना वो हो चुका है चेंज। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है, ऑफ कर दिया। और अब हम लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह इस तरह। अब फिर से फ्लेम ऑन कर देंगे, लेकिन फ्लेम आपने लो रखनी है, ठीक है। ये देखें फ्लेम ऑफ करके अगर आप दूध ऐड करेंगे ना तो आपके लम्प्स नहीं बनेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, साथ इसमें जाएगी काली मिर्च और अब इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें जाएगा ओरिगानो। और अब कर देंगे हम फ्लेम ऑफ।
ठीक है, फ्लेम ऑफ करके हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेरी क्रीम। नेस्ले मिल्क पैक जो क्रीम है ना, उसका जो टेक्सचर है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है और साथ में थिक है, जो हमारे क्रीमी पास्ते के फ्लेवर को ना और भी ज़्यादा क्रीमी बना देगा। तो क्रीम जब भी आपने ऐड करनी है, फ्लेम ऑफ करके ऐड करनी है। अगर आप क्रीम फ्लेम ऑन करके ऐड कर देंगे ना, जो हमारी क्रीम होगी ना वो ऑयल बन जाएगी, क्योंकि इतनी हीट होगी फ्लेम की और गर्म गर्म होगा तो क्रीम ऑयल बन जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने सबसे पहले बेकिंग ट्रे लेनी है और इसमें हमने लगानी है ये सॉस क्रीमी, ठीक है, ट्रे को। उसके बाद ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा गार्निश करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे पास्ता जो बॉयल किया था हमने, और अब ऐड करेंगे चिकन और सब्जियां, क्रीमी सॉस, चीज़, मोज़रेला, फिर से पास्ता, फिर से चिकन की फिलिंग, और लास्ट में सॉस, क्रीमी वाइट सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़ ग्रेट किया हुआ, और ऊपर हम ऐड कर देंगे टमाटर और ये शिमला मिर्च, और ऊपर ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो चलिए अब इसको हम बेक करते हैं 200 डिग्री पर रख के 10 मिनट के लिए। तो पास्ता हमारा बेक हो चुका है, इसको हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तैयार है हमारा क्रीमी पास्ता, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। शक्ल से आपको देख के लग ही रहा होगा कि कितना कमाल का बना है। तो आप इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा बना है। ये देखें जी, कितना जबरदस्त मजे का चीजी चीजी क्रीमी क्रीमी। बहुत ही मजे का बना है। तो अगर आपको ये क्रीमी बेक पास्ते की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इससे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।